गाइस अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम हो चुका है नाज़रीन शाह के ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आपकी छोटी सी प्यारी सी नाज़रीन छोटी सी मोटी सी। तो गाइस अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, तो नाश्ता हमारा हो चुका है क्योंकि इसके डैडी ने नाश्ता लेकर आए थे। तो नाश्ता वो सब मैंने अभी कर ली हूँ और साथ ही में बाज़ार भी आ गया मेरा। तो आज मैं बनाऊँगी दाल चावल और झींगा दाल के गवार की भाजी बनाऊँगी और थोड़े से झींगे में फ्राई करूँ। तो गर्म हो रहा है गाइस, मेरे किचन का ना जो फ़ैन है ना वो बंद हो चुका है, तो उस वजह से मुझे इतना गर्म हो रहा है ना कि क्या ही मैं आपको बोलूँ, बहुत गर्म हो रहा है। तो इनकी जो तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं काट रही हूँ गवार की भाजी। मुझे झींगा भी साफ़ करना है और बज रहा है 12:30 बज गए। दाल चावल तो पक जाएगा लेकिन इसको टाइम लगेगा, तो कोई नहीं, वैसा भी हम लोग थोड़ा लेट ही खाना खाते। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस बहुत ज़ोर की बारिश आ रही है बाहर, है देख सकते हो आप लोग कितनी मस्त जोरों शोरों में बारिश हो रही है। तो गाइस मेरा खाना बनके रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें है चावल, मेरे दोनों बच्चे लोग ने खा लिए खाना, अभी हम दोनों बाकी। इसमें दाल और इसमें मैंने गवार झींगा बटाटे की तरकारी, मतलब गवार की भाजी में मैंने बटाटा और झींगा डाल के बनाई और साथ में मैं अभी यहाँ पर झींगा फ्राई कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी हो चुका था शाम का वक्त, हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाते साथ फिर हम लोग सो गए। तो गाइज़ अभी मैं जाऊंगी राफिद को लेके बाहर, तो प्लीज़ आप लोग मेरा फुल वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो देखना फिर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और फिर आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी हम लोग पी रहे चाय, यहाँ पर मैंने रखी हूँ चाय, ये वाली जो लाइट है ना इसमें मेरा चेहरा बहुत अच्छा लगता है, उधर जाती तो भी काला काला लगता है, इधर आती हूँ किचन में तो भी काला काला लगता है, बट इधर मेरा चेहरा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, मैंने भी दूध रखी ना गैस पे, इस वजह से मैं देख रही हूँ बार बार क्योंकि इधर वो गिर ना जाए, मेरा काम ना बढ़ जाए दूध गिरने के बाद, और दूध गिरना अच्छा भी नहीं होता है नहीं गाइस, दूध को नहीं गिराना चाहिए। चलो अभी ऐसा बंद कर देते हैं और चाय पीते हैं। कौन सी स्टिक? सेल्फी स्टिक है ना मेरी, हाँ है, मैं तेरे हाथ में नहीं देने का पर मुझे उसको तो गाइस देते हुए। तभी मेरी चाय चाय थोड़ी गिरते गिरते बच चुकी है दूध, लेकिन नहीं मैंने गिराई हूँ। तो अभी हम लोग दोनों मियाँ बीवी मिलके पी लेते चाय, चाय पीते फिर मिलते आपसे, फिर मैं कहाँ बाहर जा रही हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अभी हम लोग दोनों माँ बेटे जा रहे हैं बाहर, तो आप लोग हमारा वीडियो देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और मेरा बुरखा कैसा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए मैंने कुछ ऐसी चप्पल पहनी हूँ, न्यू चप्पल है ये मेरी, ये देखो ये न्यू चप्पल ली थी मैंने वो आज पहनी हूँ, और ये मेरा न्यू बुरखा। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये बुरखा। तो गाइस कल मैं मेरे बेटे ने मुझे इतना ज़िद किया कि मुझे उसको लेके जाना पड़ा आरसूटी, क्योंकि वो मुझे बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मी मुझे आरसूटी जाना है, आरसूटी जाना है। तो मैंने ठीक है चल जाते आरसूटी, तो मैं उसको लेकर गई। तो ये देख सकते मैं ग्राउंड फ्लोर पर थी गाइस, तो ये ग्राउंड फ्लोर देखिए ज़्यादा रश नहीं थी क्योंकि छुट्टियों का दिन नहीं था इसके लिए रश नहीं थी। तो मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हो पूरा ये मेकअप का ही है ज़्यादातर, और ऐसे तो बहुत है कपड़े वगैरह के, लेकिन मैं ना उसमें गई नहीं क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह कुछ ख़रीदना ना थे, तो ज़बरदस्ती का टाइम नहीं वेस्ट करना था, मुझे जाना था टाइम जोन में राफिद को लेकर, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वही चले गई। थोड़ा बहुत ऐसा आरसीडी में घूमी, उसके बाद हम दोनों माँ बेटे गए टाइम जोन में। और देखिए गाइस कितना अच्छा बना हुआ ये स्नो किंगडम, स्नो किंगडम, और साथ ही में यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना है ये, मस्त इसको भी देख सकते हो आप, ताकि हम लोगों को कभी भी है वो यहाँ पर नहीं लेकर जाता है, इतना बेकार लड़का है ये। अब इसको मैं लड़का बोल रही हूँ ये इधर में काम करता है, ये यहाँ पे काम करता है बट मुझे कभी नहीं लेकर जाता है यहाँ पे कि चल दीदी तू चल चल, तू कभी नहीं बोलता कि मुझे यहाँ पे चल दीदी तू चल मैं तुझे लेकर जाता हूँ। आने के बाद में राफिद बहुत खुश हो गया था, आप देख सकते हो। तो ये तो दुकान के ऐसे में देखिए, मुझे टेडी बेयर वगैरह मुझे गाइस बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आती है, और आप देख सकते हो कि राफिद की मस्ती आप देख सकते हो कि जाने के बाद वो कितना खुश हो गया था गाइस। तो ये थी कैंडी, यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरीके की कैंडी थी, हाउस ऑफ कैंडी, तो इसमें इतनी अच्छी अच्छी कैंडी थी ना गाइस, बहुत मतलब बहुत टेस्टी टेस्टी और बहुत अच्छी अच्छी थी। तो मैं राफिद को वहाँ लेकर गई थी, उसके बाद उसके बाजू में और
और एक एक ऐसे छोटा सा शॉप था जहाँ पर वुडन्स वगैरह के बहुत एंटिक चीज़ें थी, और साथ ही में यहाँ पे स्लिंग बैग जो होता है वो सब भी था, और ये हैंडविल्स जो गाड़ियाँ होती है वो भी थी। ये मैं राफ़िद को दिखा रही थी क्योंकि राफ़िद के पास में ये गाड़ियाँ सब है, इसमें से एक दो गाड़ियाँ तो है। ये की चैन वगैरह और स्प्रिंग जो होते ना वो बच्चे खेलते वो सब। उसके बाद में मैं चले गई थी एक 3D शो में जिसका नाम था 12D, तो उसमें हम लोग गए थे गाइस, जिसमें बहुत मज़ा आया। ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, मैं राफ़िद और दो कपल्स थे, तो लेकिन बहुत ही डेंजर था क्योंकि उन लोगों ने हम लोग को बेल्ट दिया था टाइट बांधने के लिए, साथ ही में ये गॉगल दिया था क्योंकि वो 3D शो था और बहुत डेंजर था गाइस। मैं खुद डर रही थी, मेरा राफ़िद फुल अंधेरा हो गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे इसमें, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह गाइस बहुत मज़ा आया यहाँ पर जाकर। चलो 3D शो था वो, कहाँ मुझे भेज दिया तूने, मैं इतनी अंदर डर गई। वर्चुअल रियलिटी का शो था 3D का। अच्छा, एंजॉय किया कि नहीं? एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे, पर इसकी टेंशन हो रही थी किधर ये डर ना जाए, क्योंकि ये डर रहा था, बोलता मैं उधर देखूंगा ही नहीं, मैं नीचे ही देखूंगा। सब्सक्राइबर्स को बोल स्नो किंगडम आने और 12D भी आने। स्नो किंगडम तू आना वापस इंशाल्लाह, जब भी तू मुझे फ्री में बुलाएगा ना तभी। जरूर जरूर, गणपति जाने थे बस बुलाऊंगा तुझे फ्री में। चल मैं आऊँ? चल बाय 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 बाय। मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसमें जाऊंगी। उसके बाद मैं राफ़िद को लेके चले गई थी गाइस टाइम जोन में। टाइम जोन को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया है, पहले राइट साइड में ही था लेकिन अभी ये साइड फ्रंट में ही कर दिया है, पहले थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। आप देख सकते हो ये भी एक 3D टाइप का ही बच्चों का गेम था, तो आप देख सकते हो ये तो शायद इतना डेंजर नहीं होगा, लेकिन जिसमें मैं गई थी ये टाइम जोन में मैं आ गई थी। ये टाइम जोन अभी न्यू बना है लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी गाइस चीज़ें हैं इसमें। बोलते ना बच्चों को इन्जॉय करने के लिए जितनी चीज़ें उतनी बड़े लोगों के लिए भी है इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। ये एक छोटा सा टाइम जोन था, इसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना ये वाला, ये बहुत ही बड़ा है यहाँ पे अंदर, तो ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे यहाँ पे ऐसे इसमें ऐसे ना बॉल ऊपर से गिर रहे थे, या से डालते रहे ऊपर से गिरते जाएंगे, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं थोड़ा आगे चले गए कि राफ़िद चलो आगे जाते, तो आगे जाते वक्त अब ये देख सकते हो मुझे इतना बड़ा टेडी बेयर दिखा, और मुझे टेडी बेयर ना गाइस बहुत पसंद है, बहुत बोले तो बहुत। यहाँ पे तो सब ज़्यादातर टेडी बेयर वाले गेम होते, पता नहीं ये किसके नसीब में होगा और ये किसको मिलेगा। ये बेचारा लटका हुआ है कि कौन मुझे अपने घर ले जाएगा, कहाँ मैं जाऊँगा, वो ये सोच रहा है। ये टिकट वाला उससे ये ऐसे ही होता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत बड़े गेम सब खेल चुके हैं, इसमें ऐसे ही होता है, बहुत ही कम लोगों को लगता है। लेकिन गाइस आप देख सकते हो इतने अच्छे अच्छे गेम है ना, सच में RCT वाले ने जो बनाया है ना बहुत ही अच्छा। देखो ये भी यहाँ पे बैठा है, वो बोल रहा है मैं आराम कर रहा हूँ और आप लोग अपने पैर दुखाओ और घूमते रहो। तो उसके बाद मैं यहाँ से आगे थोड़ा चले गई, बस बैठ चुकी हूँ गाइस। ये बहुत डेंजर होता है, बहुत धड़ाम 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 लगता है। उसके बाद ये पार्टी एरिया था, यहाँ पे आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो, इसमें बड़ा ही मज़ा आएगा। देखिए ना बहुत अच्छा लग रहा था, इस इधर पे मैंने एक दो अपनी फ़ोटो भी क्लिक करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि बच्चों वगैरह का बर्थडे होगा तो यहाँ पर आप बना सकते हो बर्थडे पार्टी एरिया ही है वो। उसके बाद मैं राफ़िद को बोलती कि राफ़िद इसमें बैठ जा, राफ़िद बोल रहा था नहीं मम्मी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हॉर्स। तो आप इसमें देख सकते हो ये सब जगह ना गाइस गेम ही गेम था। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गई थी, मैं आ गई थी गार्डन एरिया साइड। तो यहाँ पे तो पहले ग्रीन ना घास बहुत सारी थी, आजकल तो क्या यूजेबल भी घास होती है। तो ये आप देख सकते हो इधर इतना सुकून लग रहा था, जितना ऊपर चहल पहल थी ना नीचे उतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे है बच्चों लोग के थोड़े गेम है, ये है जैसे तो ये ट्रेन जैसी, इसमें बच्चे बैठते, एक बच्चे का इसमें है 100 रुपया। तो राफ़िद ने तो ये दोनों भी इसमें भी बैठ चुका है, और साथ में मिनी बस भी है, बस में तो भी बहुत मज़ा आता है। दोनों में भी ना गाना बजता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हो आप, ये है एक छोटी सी मिनी बस, इसमें भी ऊपर बैठते ना बहुत मज़ा आता है। बच्चों के साथ ना बड़े लोग को नहीं बैठने देते, वरना ना ऐसा लगता है बस चपक जाएगी। तो बच्चे लोग बैठते हैं इसमें, बड़ी मज़ा आती है उन लोगों को। मेरा राफ़िद बहुत बार बैठा है इसलिए अभी वो जिद नहीं करता। तो ये तो गाइज अभी हम लोग RCT मॉल से, मैं जस्ट अभी आई हूँ, बहुत पैर दुख गया गाइज, मैंने नवी चप्पल पहनी थी, चप्पल भी मुझे काटी है, छाला गए। अभी बैंडेज, हाँ बैंडेज है घर में है, तो अभी बैंडेज लगाती हूँ पैर में, बहुत दुख रहा है, वो मुझे चलने ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इसको बोली चल चले जाते घर पे, थोड़ा बहुत अमेज़ॉन वगैरह पे, अमेज़ॉन बोल रही हूँ। गाइस मैं ना RCT मॉल जाके ना सटिया गई हूँ, मैं गई थी टाइम जोन में गई, वहाँ पे ये इतना खेला कूदा, वहाँ पे बैठा बीठा, तो उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई है। इसके लिए ही मैं मॉल नहीं जाती हूँ, क्योंकि गाइस वहाँ पे ना घूम घूम के ना बहुत पैर दुखता है। तो इतना माशाल्लाह वो बड़ा मॉल है RCT के, बस चलते रहो, फिर भी बोलते रहो टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन मुझे घर में काम था, मैंने पानी भी गाइज मैं आज भरी नहीं हूँ अभी तक, पानी भी भरना बाकी है। और गाइज मुझे ना मेरे जहाँ मैं तो गाइज अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बस अभी हमारी सोने की तैयारी है। तो अभी मैं अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा काजल फैल गया है। आज मैं गई थी मॉल गाइज, तो मॉल में बहुत मज़ा आई, मैं और राफ़िद गए थे,
हम लोगों ने वहाँ पे ना 3D राइड्स में बैठे थे, बहुत अच्छा लगा वो हॉल में, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। बहुत डेंजर भी था, डर भी लग रहा था, बट अच्छा भी लग रहा था, अच्छा लगा, मज़ा आ गई उसमें बैठ के, बहुत अच्छा लगा। तो चलो अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि RCT मॉल आप लोगों को कैसा लगा और जिस राइड पे मैं तीर कभी कैसा जाने का। तो इंशाल्लाह जाऊंगी, बहुत दिन से घर पे थी, आप लोगों को भी कुछ बाहर का नज़ारा नहीं दिखाई थी, तो सोची कि चलो RCT मॉल तो मेरे घर के बाजू में ही है, हम लोग के बैक साइड ही एक दीवार है और फिर RCT मॉल है। तो मैं बोली आज चलो जाती हूँ, क्योंकि राफिक भी बहुत ज़िद कर रहा था, तो मैं बोली कि ठीक है चल, वैसे भी उसका भी वैकेशन है और इतने दिन से उसकी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, तो फिर हाँ जाएंगी जाएंगे बोली थी। अभी आज तबीयत तो उसके भी ओके हो गई है अल्लाह के करम से माशाल्लाह, तो इसके लिए फिर मैं बोली कि चल अपन जाते हैं। तो चलो गाइस अभी डेढ़ बज गए, अभी और क्या ही ब्लॉग बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपका मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। खुदा हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।